एक्चुअली प्रियंका गांधी जी ने मुझे ये बोला था एक बार कि अर्चना तुम्हारी अभी एक शुरुआत हो गई है और तुमको मायावती जी जैसा दबंग नेता बनना है। हर लड़की मायावती जी जैसा, अपनी बहन जी जैसा, मैं तो उनको मतलब लाइक आदर्श मानती हूँ, उनके जैसा बनना चाहती है। तो ऑफकोर्स मेरे को मतलब ऐसा नहीं है, जब भी मुझे ऑफर आएगा उनके लिए मैं सबसे आगे खड़ी मिलूंगी। संदीप सिंह ने मेरे को अनाप शनाप बोला और जिसकी वजह से मैंने उनकी कंप्लेंट करवाई। मुझे अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली है और जैसे मैंने पहले भी बोला था, मेरी जान को खतरा है, मैं इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। आपकी एक बहन आंदोलन कर रही है जी। पहली बात तो मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं FIR करवाने के लिए आई थी और जैसे ही मैं करवाने के लिए आई तो अपना कनिष जी तो साथ में थे, उन्होंने बताया कि हमारी एक बहन है जो कि पीड़ित है एक प्रोफेसर से। एक्चुअली पीड़ित नहीं बोल सकती क्योंकि उसने गलत किया है और क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम ख़राब किया हुआ है कॉलेज में। तो मैंने इनको बोला कि चलो मैं चलती हूँ साथ में, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त में समाज को एक साथ हो जाना चाहिए और जो ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, चाहे वो मेरे साथ हो चाहे वो रितु जी के साथ हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए। तो हम दोनों का केस ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ किसी पीए ने इस दूसरों के माध्यम से किया है और यहाँ पे भी इन प्रोफेसर ने इनके साथ किया है। तो मैं गवर्नमेंट से और अपना पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसकी जांच पड़ताल करें, इन्वेस्टिगेशन करें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको जेल की सलाखों में डालें। जिस तरीके से आपके साथ धक्का मुक्की की गई थी AICC के बाहर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो धक्का मुक्की तो आप लोगों ने देख ही ली होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें वायरल हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो जाति मानसिकता वाले जो लोग हैं ये इतना जलते क्यों हैं तरक्की से, कि हम लोग आज तरक्की कर रहे हैं, आज मेरी बहन तरक्की कर रही है, मैं तरक्की कर रही हूँ और शायद बहुत सारे लोग भी तरक्की कर रहे हैं, उन लोगों से जलते हैं। बट ये मारपीट करवाना या औरतों को भेजना रोड पे कि मारो, अरे दो लगा दो, इससे आप मर्द नहीं बन जाते हो या इससे आप तानाशाह नहीं बन जाते हो, इससे आपका कैरेक्टर दिखता है कि आप किस कैरेक्टर से हो। आप असंतुष्ट हो अपनी अपनी लाइफ से, अपनी पोजीशन से, जो दूसरों से आप जलते हो। अगर आप दलित नहीं होती, SC कैटेगरी नहीं होती तो आपको कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता, बस सुलूकी नहीं की जाती। तो मुझे ऐसा लगता है पलकों पे बैठा के रखते फिर तो वो कि, तो मुद्दा ये है कि आज दलित समाज क्यों इतनी तरक्की कर रहा है, इनको रोका जाए। ये वैसे ही पहले जैसे होने चाहिए, बट जबकि इन लोगों, ये लोग ये भूल चुके हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, जो हमें पढ़ाई दी है, आज उस पढ़ाई से ही हम सक्षम बने हैं। आप समझ रहे हैं, आज हम अपने टैलेंट के बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। तो बहुत घटिया चीज़ें हैं ये बोलना, बट मैं ये चाहती हूँ कि इस चीज़ पे पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अर्चना जी, आपके पिताजी ने कंप्लेंट की थी और उसमें संदीप सिंह का नाम था, क्या कोई कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई हुई थी उसके लिए, मतलब लाइक जो उन्होंने गलत शब्द मुझे बोले थे और जातिवाचक शब्द भी बोले थे, जिनकी वजह से उन पे कार्रवाई हुई है और अभी मैं जा भी रही हूँ और आगे देखते हैं कि कोर्ट क्या निर्णय लेती है। अभी तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। लगातार कह रहे हैं कि प्रियंका दीदी साहब मिलना चाहती हैं, मिलने नहीं दिया गया। हाँ, वो इस वजह से नहीं मिलने देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती। एक्चुअली प्रियंका गांधी जी ने मुझे ये बोला था एक बार कि अर्चना तुम्हारी अभी एक शुरुआत हो गई है और तुमको मायावती जी जैसा दबंग नेता बनना है। और यही संदीप सिंह के कान में खटक गया कि ये क्यों दीदी के इतने करीब आ गई, और तब से ये मेरी कटी करने के लिए लग गया। और आज इतना ये गिर चुके हैं कि इनको मतलब गुंडे भिजवाने पड़े मुझे मारने के लिए महिलाओं की आड़ में। आप समझ रहे हैं अर्चना जी, जिस तरह से बताया जा रहा है, लोग जैसे सुकुल अप्रकाश बोल रहे हैं, प्रियंका का तो ऐसा, अर्चना का तो ऐसा ही है जैसे कि मंदिर में गई थी तब भी तमाशा किया था और कांग्रेस के बाहर भी अर्चना ने तमाशा किया है, तो ये हमेशा का है।
अच्छा तमाशा है तो ठीक है, मैंने FIR डाल दी है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपने जैसे देखी भी होगी कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पीछे से बोला जा रहा है लगाओ लगाओ साइड में लेके आओ, मारो इनको मारो। तो अगर आप इस चीज़ को तमाशा बोलते हैं, और जबकि आपके ही कांग्रेस की महिलाएं हैं जिनका मुझे नाम पता है, मुंह पे नाम पता है, ममता चौधरी हो गई, फातिमा हो गई, पूजा मिश्रा हो गई, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये कांग्रेस महिला समिति की अध्यक्ष है, यानी जो कांग्रेस महिला विंग जो होता है उसकी कुछ ना कुछ पद है उनके पास, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसी चीजें की। कांग्रेस पार्टी आजकल महिलाओं की बात कर रही, दलितों की बात कर रही, पिछड़ों की बात कर रही, क्या लगता है राहुल गांधी जिस मुकाम पे निकले हैं सफल हो पाएंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये बात करना अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ तभी उठते हैं जब किसी दलित महिला का अपहरण होता है, या फिर उसका बलात्कार होता है, या उसका रेप होता है, या उसका मर्डर होता है, तभी ये लोग राजनीति करते हैं, तभी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दिया जाता है। तो आज जब एक जिंदा लड़की, और रितु जैसी को भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उसी में ही कुछ ना कुछ, देखो मैं पार्टी का कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि सारी पार्टी इधर उधर से आती ही सेम चीज़ है, चाहे वो पीड़ित हो चाहे मैं पीड़ित हूँ। तो आज हम जिंदा होके अपनी बात आपके सामने कर रहे हैं तो आप सुनोगे नहीं, अभी अगर हम लोग मर जाते हैं या हमारा मर्डर हो जाता है तो आप लोग राजनीति कैंडल मार्च और राजनीति पे उतर जाते हो, तो भाई कब सुधरोगे आप लोग? भारत को चेंज करने निकले हो ना तो चेंज करिए ना, ये सब दिखावा मत कीजिए कि अच्छा इसके साथ हुआ है चलो धरना प्रदर्शन करते हैं वोट मांगने के लिए। तो जब आप वोट की एक्सपेक्टेशन करते हो तो उनके साथ कुछ अच्छा करने की भी एक्सपेक्टेशन रखें। तो अर्चना जी क्या फैसला लिया है आपने, कांग्रेस से बाहर आना है? कांग्रेस ने बाहर कर दिया, तो हाथ जोड़ लिए भैया, राम राम सबको, हमें ना चाहिए भैया। अच्छा अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी या बसपा, अर्चना मैम अगर बहुजन समाज पार्टी आपको ऑफर करती है, बुलाती है, तो जाना चाहेंगे बहन जी के साथ? पहली बात तो ऑफ कोर्स मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और हर लड़की मायावती जी जैसा अपनी बहन जी जैसा, मैं तो उनको मतलब लाइक आदर्श मानती हूँ, उनके जैसा बनना चाहती है। तो ऑफ कोर्स मेरे को मतलब ऐसा नहीं है, जब भी मुझे ऑफर आएगा उनके लिए मैं सबसे आगे खड़ी मिलूंगी। अर्चना जी एक और सवाल है, क्या लगता है कि जितनी जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, चाहे वो BSP होगी चाहे ASP होगी, इनको छोड़ दिया जाए, दूसरी पार्टियां होंगी समाज, कांग्रेस होगी और BJP होगी, क्या यहाँ पर दलितों सुरक्षित नहीं? मुझे तो देखो सच में मुझे पहले नहीं पता था, अब जब प्रैक्टिकल चीज़ें देख रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी या हमारे समाज की कोई पार्टी और उसमें साथ के साथ मुस्लिम और दलित जब दोनों एक हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनकी गवर्नमेंट आने से कोई रोक सकता है। क्या आपके वोटों का इस्तेमाल करने के लिए आगे किया जाए? हमारे वोटों का इस्तेमाल करने के लिए और हमारा यूज़ करने के लिए, अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए हम जैसे लोगों का यूज़ होता है। आपको समझदारी कब आई? ये समझदारी जब आई जब मुझे ठोकर पड़ी, सच बता रही हूँ, क्योंकि इंसान एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है, इंसान ठोकरों से सीखता है। और ठोकर खा के मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि भैया अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। घर वापसी हुई है? अब मेरी घर वापसी हुई। तमाम लोग लगातार कह रहे हैं कि आप ही की केस में जो है कि ब्रजलाल खाबरी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको नाप दिया गया, अजय राय को जो है कि नया प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस का। एक बात बताइए, ब्रजलाल खाबरी जी की मैं बात करती हूँ, वो हमारे समाज से हैं, दलित समाज से हैं। अगर वो अपना पक्ष रखते हैं तो ये संदीप सिंह को पसंद नहीं होता है, और संदीप सिंह के हाथ में कांग्रेस की पूरी पावर है, वो जब चाहे जिसको भी निकलवा सकता है, तो उसने वही किया। ब्रजलाल खाबरी जी के साथ भी उन्होंने वही किया, क्योंकि वो दलित समाज से थे और UP में प्रदेश अध्यक्ष बन के कैसे बैठे हैं, वो उसको जमा नहीं, वो उसको मतलब जैसे कहते हैं ना टुकड़ा निगलना, तो वो चीज़ें नहीं हुई। तो उसने क्या किया है, ब्रजलाल खाबरी को ही पद से निकाल दिया, तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। तो इनको हजम नहीं होता है, हमारे समाज का कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ता है तो इनको हजम नहीं। दलित समाज से आते तो आप ये कह रहे हैं कि दलितों का भला कांग्रेस पार्टी करने वाली नहीं है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। देखिए मैं अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मुझे बस इतना पता है कि जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था
तब कोई नहीं बोला। और मैं इतना भी बोलती हूँ, खड़गे जी जो हमारे समाज से आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तक नहीं बोले। क्यों, सब अंधे हैं, किसी को दिखता नहीं है मैं पिट रही हूँ उनके कार्यालय के बाहर? किसी को तो मेरे लिए बोलना चाहिए, सब हाथ खड़े करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे सिस्टम नहीं चलता। आपने जो अपना सिस्टम बैठा रखा, पहले अपने सिस्टम को चेंज करिए, क्योंकि आपके परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप जब अपने परिवार का ही नहीं सही कर सकते तो दूसरे लोगों का क्या करेंगे? आखिरी बार कब बातचीत हुई थी प्रियंका जी से? मैं बिग बॉस से निकलने के बाद रायपुर गई थी, महाअधिवेशन में गई थी, और वहाँ पे संदीप सिंह ने मुझे अनाप शनाप बोला था, जिसके लिए मैंने मंच से पीछे, तो वहाँ पे मेरी जस्ट हाई हेलो हुई थी। उसके बाद में संदीप सिंह ने मेरे को अनाप शनाप बोला, और जिसकी वजह से मैंने उनकी कंप्लेंट करवाई। आपने सिक्योरिटीज की भी मांग करी थी, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही? मुझे अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली है, और जैसे मैंने पहले भी बोला था, मेरी जान को खतरा है, और वो है, जिंदा रही तो इनकी छाती में मूंग दलूंगी, और अगर भगवान को प्यारी हो गई तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जो सिक्योरिटीज है, बाउंसर्स हैं खुद के हैं जी? प्राइवेट बाउंसर्स हैं आपके पास? हाँ, अभी मैंने रखे हुए हैं, अपने बाउंसर्स रखे हुए हैं, गनमैन रखे हुए हैं, वो प्राइवेट लेवल पे ही रखे हुए हैं जी। अर्चना जी, एक सवाल है, आप ऋषि सिंह के प्रोग्राम में आई हैं, बिग बॉस में भी आपके साथ जातिवादी एक सवाल हुआ था, हाँ, उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद अभी आप दोबारा से कमबैक करने की कोशिश कर रही थी पॉलिटिक्स में, उसमें भी आप आरोप लगा रही हैं, नहीं मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। पहली बात तो मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करने गई थी, जो कि मेरा हक बनता है। उसके बाद उन लोगों ने हमला कराया, उन्होंने रातों रात ही बसें मंगवा दी यूपी से, और मेरे ऊपर कांग्रेस की महिलाओं ने ही हमला किया है, तो मैं कहाँ से गलत हूँ? और उसके बाद भी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सब शांत करके बैठे हैं, सब चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, तो ये इंसाफ नहीं है और ये गलत है। आज अगर राजीव गांधी जी जिंदा होते तो शायद ये देखते भी नहीं। अलका लम्मा ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया कि हम अंशरा गौतम को नहीं जानते। अच्छा, कोई बात नहीं। तो जब इलेक्शन में टिकट दिया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और यूपी में कोई भी सीट इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी हस्तनापुर की टीआरपी पॉपुलर थी, तब अर्चना गौतम याद आ रही थी। अच्छा, अर्चना गौतम दलित है, चलो अर्चना गौतम को टिकट देते हैं, दलित है, बहुत अच्छा रहेगा, नाम होगा, कांग्रेस का नाम होगा, ये होगा, वो होगा। तब तो अलका लांबा जी को पता होगा कि मैं अर्चना गौतम हूँ, तब तो अलका लांबा जी नहीं बोली कुछ। और आज अलका लांबा जी जो अपने कपड़े को फाड़ फूड़ के धरना देती हैं, आज चुप बैठी हैं, क्या नहीं दिखता अलका लांबा जी को? जंतर मंतर पे धरना दिया था ना उन्होंने, तो आज उनको नहीं दिखता कि एक लड़की के साथ उनके पार्टी कार्यालय के बाहर ये सब चीजें हुई है, चुप बैठी है। तो भाई मैं अब क्या बोलूं कि जब उनसे पूछा गया था तो वो चुप हो गई थी और कहा था कि हम नहीं जानते किसी अर्चना गौतम को। अच्छा, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि एक बार प्रियंका गांधी जी से पूछ लीजिएगा कि अर्चना गौतम कौन है, और एक बार गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा अर्चना गौतम है, शायद आपसे ज्यादा न्यूज मेरी निकले। जब चुनाव इनके साथ काफी लंबे समय से 2 साल से अधिक हो गए, एट्रोसिटी हुई है, इनको जॉब से निकाल दिया, आप इनके लिए कैसे खड़ी हैं? मैं इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ, और आज पहली बार मैं मिली हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई हैं ये, और मैं बस इनको बेस्ट विशेस दे सकती हूँ। मेरी तरफ से जो भी मदद होगी मैं अपने लेवल पे बहुत मदद करूँगी इनकी, और मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे समाज की लड़कियाँ आज आगे बढ़ रही हैं। एक दिन वो दिन दूर नहीं जब वो दिन दूर नहीं जब एक जाटव एक ब्रांड बनेगा और दलित समाज सबसे आगे होगा, चाहे वो कोई भी फील्ड में। जब कांग्रेस ने आपको टिकट दिया था 2022 में, तो कहा गया बिकनी गर्ल, तो तमाम लोगों ने ट्रोल भी किया, और कांग्रेस की तरफ से ही कहा गया कि हमारे पास हर एक किस्म के लोग हैं, तो फायदा लिया गया, और अब आपको दूध में पड़ी मक्खी तरह निकाल कर फेंक दिया गया। दुनिया देख रही है कि किस तरह से यूज किया जाता है और किस तरह से फेंका जाता है। कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन और आ रहे हैं, तब दलितों का वोट चाहिए इनको, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सोच समझ के वोट देना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।